आजकल सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, आप भी बिजी होंगे और सभी के घर में ऐसा जो वैक्यूम क्लीनर है सभी के घर में है, लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार आप इमेजिन कीजिए, अगर आप इसको बोलेंगे कि जा खुद घर को साफ करके आ, क्या ये करेगा? नहीं करेगा, ये आपका बात नहीं सुनता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक जाके पूरा घर को साफ करता है, साफ ही नहीं झाड़ू पोछा सब कुछ करता है। और वो एक्चुअली होता है एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर, जो ये रहा, ये है एक रोबोट, ये है रोबोटिक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर। तो इसका नाम है, मैं इसको ही पूछता हूँ, व्हाट इज योर नेम? हाय, आई एम मैक्स, योर होम सर्वेलेंस रोबोट वैक्यूम। तो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, तो ये मेरा बात मानता है और पूरा घर साफ करता है, झाड़ू पोछा सब कुछ करता है। तो मैक्स जा साफ कर, जाएगा साफ करेगा घर, उधर जा। देखिए साफ हो गया, थोड़ा सा रह गया है, अभी ये भी खाएगा। कम दे सर, कम देखिए पूरा साफ हो गया, क्लीन। थैंक यू मैक्स। ये बैटरी से चलता है और जब बैटरी खत्म होता है ये खुद जाके अपने आप को चार्ज करता है ऐसे। चार्जिंग। रुक रुक रुक। तो अभी मैं अगर इसको उठाता हूँ तो इसको पता चल जाता है, देखिएगा। Please put me back on the ground. मतलब दिखाने के लिए मैं ऊपर लाया था और इसको पता चल गया है, तो नीचे रखने के लिए बोला है तो नीचे रखता हूँ, और जा साफ कर। Repositioning my location. I have repositioned my location. I'll continue cleaning. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज। तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं एक रोबोटिक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर का, जो ये रहा। और इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के कंपनी का नाम है ट्राइफो, जो एक अमेरिकन कंपनी है। तो ये रहा इसका बॉक्स, तो इसके ऊपर ही आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगे, जैसे कि वर्क्स विद अलेक्सा, मतलब अलेक्सा के साथ भी काम करता है, वॉइस कमांड ये एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे लिखा है होम सर्वेलेंस रोबोट वैक्यूम। तो सामने देखते हैं, सामने कंपनी का नाम है और यहाँ पे देखिए लिखा है 33% मोर सक्शन पावर। तो साइड में देखते हैं, तो साइड में लिखा है होम सर्वेलेंस रोबोट वैक्यूम सिक्योरिटी अलर्ट एंड रिकॉर्डिंग करता है। उसके बाद स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम है, उसके बाद रिमोट ऐप कंट्रोल, सक्शन पावर है 4000 PA, और नीचे लिखा है रन टाइम है 120 मिनट्स। तो पीछे देखते हैं पीछे क्या है, पीछे बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है जो मैं आपको थोड़े देर में ही बताने वाला हूँ। और लास्ट में इस साइड में देखते हैं, इसमें इसका प्रोडक्ट का फोटो दिया हुआ है, इसके बाद कैमरा से ऐसा दिखता है वो भी दिखाया है। अगर आप घर पे ना हो तो आप घर को भी देख सकते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के थ्रू, मतलब इसमें कैमरा है जो वाईफाई से कनेक्ट होता है और आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और कहीं से भी आप अपने घर को देख सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले ये है यूजर मैनुअल, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हो गया यूजर मैनुअल, उसके बाद पेपर का सनग्लास मिला है, ये यहाँ पे रहता है, तो ये हो गया। और उसके नीचे ये है मेन रोबोटिक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर। और उसके बाद यहाँ पे और एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में क्या है देखते हैं। इस बॉक्स में एक एसेसरी आया है, ये और एक बॉक्स है, तो इसके अंदर क्या है देखते हैं। ये है पावर अडाप्टर चार्ज करने के लिए, उसके बाद ये है चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पे जाके रोबोट वैक्यूम क्लीनर खुद को चार्ज करता है। और उसके बाद और कुछ नहीं है, तो बॉक्स में से ये सब निकला। तो चलिए सबसे पहले जो चार्जिंग स्टेशन है उसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए जो अडाप्टर मिला है उसका वायर काफी लंबा है, तो अभी जो चार्जिंग स्टेशन है उसके नीचे देखिए ये खुलता है, यहाँ पे अडाप्टर को लगाना है। तो देखिए मैंने लगा दिया है, आप इसके वायर को भी अंदर रख सकते हैं अपने हिसाब से, कितना मर्जी आप वायर को भी अंदर रख सकते हैं। तो अभी इसको बंद करता हूँ। तो अभी चार्जिंग स्टेशन को मैं यहीं पे रख देता हूँ और जो एडाप्टर है ये जाएगा आपके बोर्ड पे, स्विच बोर्ड पे, प्लग पॉइंट पे। तो क्या होगा, जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है वो खुद ऐसे यहाँ पे आके ऐसे बैठ जाएगा और चार्जिंग हो जाएगा। तो ये रहा प्यारा सा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो इसमें देखिए इसका आंख यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे कैमरा है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। अभी देखिए ये है कैमरा, इसके बाद यहाँ पे ये पावर ऑन का बटन है और ये होम बटन है। तो ये हो गया ऊपर का हिस्सा, इसमें ये लीड है, इसको आप खोल सकते हैं, ऐसे खोला जाता है। तो इसके अंदर ये वाला है डस्टबिन, इसको पुश करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ये वाईफाई का बटन है, ये रीसेट का बटन है और ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे। तो अभी इस लीड को बंद कर देता हूँ। और सामने का ये जो हिस्सा है शॉक एब्जॉर्बर जैसा है,
मतलब अगर ये गलती से कहीं पे टकरा जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और सामने शायद ये सेंसर्स है, तो ये हो गया ऊपर का हिस्सा। तो देखते हैं इसके नीचे क्या है। यहाँ पे दो मेन व्हील है और ये एक मेन व्हील है, सामने एक छोटा सा व्हील है, इससे ये डायरेक्शन चेंज करता है और इस व्हील से ये चलता है। और ये जो व्हील्स है इनमें भी शॉक एब्जॉर्बर्स है, देखिए इनमें भी शॉक एब्जॉर्बर्स है, मतलब ये कहीं पे भी चढ़ सकता है, कार्पेट में आसानी से ये उठ जाता है। उसके बाद ये हो गया चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग स्टेशन पे ये कनेक्ट होता है। और ये हो गया स्वीपिंग ब्रश, ये घूमता रहता है, झाड़ू करता है। उसके बाद यहाँ पे हो गया एक और एक ब्रश है, रोलर ब्रश, ये भी घूमता है। और यहीं से ही ये डस्ट को सक्शन करता है। तो ब्रश को कैसे निकालते हैं, इस स्वीपिंग ब्रश को कैसे साफ करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं, मैं आपको सभी कुछ बताने वाला हूं। और यहां पे भी स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें इनबिल्ट बैटरी है 5200 mAh का, जो 2 घंटे तक कंटिन्यूअस बैकअप देता है और चार्जिंग करने के लिए टाइम लगता है 2 घंटा। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ये जो पावर बटन है उसको थोड़ा देर दबाना है। अभी म्यूजिक बजेगा। तो ऑन हो गया है। अभी क्या करना है, आपको इसका ऐप को डाउनलोड करना है। तो ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, नहीं तो ये जो यूजर मैनुअल दिया हुआ था इसमें ये क्यूआर कोड है, आप इसको भी स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्ले स्टोर पे चलते हैं और वहां पे आपको सर्च करना है ट्राइफो होम। तो जो ऐप है वो आपको दिखा देता हूँ, ये ऐप का इंटरफेस है। तो यहाँ पे एकदम नीचे आप देख सकते हैं, ये है क्लीन, उसके बाद रिसर्च और स्टार्ट वीडियो, और यहाँ पे दिखाता है बैटरी कितना है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे क्लीन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लीन करना शुरू कर देगा। और रिसर्च पे क्लिक करने से ये अपने आप अपने चार्जिंग स्टेशन की तरफ चला जाएगा और खुद को चार्ज करेगा। और जो ये स्टार्ट वीडियो है उसको क्लिक करने से इसका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप मोबाइल पे देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी देखिए मैंने क्लिक किया तो अभी ये मुझे देख रहा है, देखिए, और जहाँ जहाँ वो साफ कर रहा है मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ये सिर्फ यहीं पे नहीं, मैं अगर घर से बाहर चला जाऊँगा तो बाहर से भी मैं देख सकता हूँ वो कहाँ पे साफ कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन भी है, तो अगर आप घर पे नहीं हैं तो वहीं से आप अपने घर के लोगों के साथ बात कर सकते हैं इस वैक्यूम क्लीनर के थ्रू। तो अभी वीडियो सर्वेलेंस में बंद कर देता हूँ। वीडियो सर्वेलेंस इज ऑफ। तो अभी क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। तो अभी मैंने क्लिक किया है क्लीन पे। तो अभी क्लीन करने के लिए ये चला गया है, और जब भी कोई ऑब्स्टेकल मिलता है वो वहां से वापस लौट आता है। मतलब इसमें सेंसर्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जैसे जैसे ये साफ कर रहा है इसका मैप बन रहा है। देखिए ऐप में देखिए एक मैप बन रहा है, मतलब घर का एक मैप बनाता है और उस हिसाब से वो अपने घर के साथ फेमिलियर हो जाता है। और इसका जो सक्शन पावर है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये सक्शन पावर है, इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको चार्जिंग करने के लिए मैं दूंगा। तो यहाँ पे जो चार्जिंग का ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं रिचार्ज, वहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वो अभी जाएगा चार्जिंग स्टेशन पे, खुद जाएगा चार्जिंग स्टेशन पे। देखिए देखिए ये खुद चला गया और चार्जिंग पे बैठ गया, अभी चार्ज हो रहा है। चार्ज होने के बाद ये खुद अपने आप सफाई करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है चार्जिंग हो रहा है, और उसने मेरे घर का इतना मैप बनाया है, पूरा घर का मैप बनाएगा। तो अभी मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ क्लीन पे। और इस ऐप में मैनुअल मोड भी है, जैसे कि ये वाला है। Please use manual control mode.
to move me around or to assign tasks. तो देखिए ये मोबाइल अभी बन गया मेरा रिमोट, तो अभी मोबाइल से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ये सामने जाएगा, अभी देखिए सामने जा रहा है, अभी इसको मैं रिवर्स में लाऊंगा। Video surveillance is on. अभी मैं वीडियो देख के इसको अभी कंट्रोल कर सकता हूँ मैन्युअली। तो ये देखिए मैं हूँ, सामने आऊँगा अभी, ये देखिए अभी फिर से बैक जाऊँगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कारपेट के ऊपर चढ़ सकता है कि नहीं। तो ये कारपेट के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि ये जो ब्रश है ये अटक रहा था। तो इस ब्रश को मैं निकाल देता हूँ, तो अभी देखता हूँ। देखिए कितने आसानी से ये चढ़ गया है, मतलब ये कारपेट भी साफ कर सकता है। तो अभी इसको ऑफ करने के लिए नो मैं इसको ऑफ करने वाला था और वो खुद चार्जिंग स्टेशन पे चला गया। तो उसको फिर से लाता हूँ। ऑफ करने के लिए जो ये पावर बटन है उसको दबाना है थोड़ी देर के लिए। Turning off. Bye. तो ये ऑफ हो गया है। तो अभी मैक्स ने पूरा क्लीन किया, अभी देखते हैं इसका हालत कैसा है। इसका नीचे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कितने सारे हेयर्स लगे हुए हैं और गंदगी लगा हुआ है। और इस ब्रश में भी देखिए बहुत सारे हेयर्स लगे हुए हैं। ऐसा भी ब्रश अलग से मिलता है, आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको साफ करके लगा सकते हैं। तो इसको साफ करना पड़ेगा और हेयर्स को निकालना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं इसका जो डस्टबिन है उसमें कितना कचरा आया है। तो वो देखने के लिए आपको ये लिड ओपन करना पड़ेगा, ऐसे ओपन होता है और ये हो गया डस्टबिन। तो इसके अंदर बहुत सारे कचरा जमा हो गया है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पुश बटन है यहाँ पे एक, देखिए इसको पुश करना है और डस्टबिन को बाहर निकालना है। तो इसके अंदर देखते हैं, ये देखिए कचरा, देखिए कितना कचरा इसने जमा किया है। तो इसको साफ करना पड़ेगा, साफ करने के बाद आप दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने साफ कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये वाला जो स्पॉन्ज है इसको साफ करना है। तो ये भी खुल जाता है, इसको खोलने के लिए यहाँ से आपको ऊपर करना पड़ेगा इसको, देखिए ये निकल जाता है। उसके बाद ये वाला है स्पॉन्ज, इसको आप धो सकते हैं, धो के दोबारा लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे और भी गंदगी है, इसको भी साफ करना पड़ेगा, उसके बाद इसको भी साफ करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जब तक इसको साफ करते हैं तब तक आप दूसरा वाला ऐसा एक, देखिए ये एक नया डस्टबिन है, आप ऐसा एक्स्ट्रा वाला डस्टबिन आप खरीद सकते हैं। तो पुराना वाला जब तक साफ होता है तब तक आप ये नया वाला यूज कर सकते हैं। तो चलिए नया वाला मैं फिट करता हूँ अभी। तो लगाना एकदम आसान है, आपको सिर्फ इसको लगा के अंदर ढकेलना है और ये फिट हो जाएगा। देखिए हो गया नया डस्टबिन फिट। तो अभी इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जो ब्रश है इसको भी साफ करना पड़ेगा। ब्रश को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दो नॉब से इसको दबा के ऐसे निकालना है। ये देखिए ब्रश में भी कितना गंदगी लगा हुआ है। तो इस ब्रश को आप साफ करके दोबारा लगा सकते हैं, नहीं तो ये ब्रश भी अलग से मिलता है, आप नया ब्रश भी डाल सकते हैं इसके अंदर। आप इसको बिना ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, साथ में ऐसा एक मिलता है बिना ब्रश का। तो इसको लगाने के लिए आसान है, देखिए फिट हो गया है, अभी बिना ब्रश का ये साफ करेगा। जो एक्सेसरीज आप अलग से खरीद सकते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया स्वीपिंग ब्रश, तो इसके अंदर ऐसा तीन ब्रश है। उसके बाद ये वाला हो गया डस्टबिन, इसका जो ये फ्रंट डोर है ये भी आप खरीद सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ये वाला, ये देखिए ये हो गया स्पॉन्ज या फिल्टर और ये वाला फ्रंट डोर। तो ये हो गया डस्टबिन का एक्सेसरीज और डस्टबिन। उसके बाद ये वाला हो गया ब्रश, रोलर ब्रश, ये हो गया रोलर ब्रश, ये भी आप अलग से खरीद सकते हैं। और उसके बाद ये वाला हो गया मोपिंग एक्सेसरीज, इसके अंदर आपको मिलता है वाटर टैंक, इसको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद देखते हैं नीचे क्या है, ये है ये मोपिंग क्लॉथ्स है। उसके बाद और ये फिटिंग करने के लिए एक्सेसरीज है, तो इसको भी मैं यूज करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो आप अलग से खरीद सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका मोपिंग फंक्शन भी सिखा देता हूँ। उसके लिए जो एक्सेसरीज मिला था वो है, और एक पानी का बोतल है। तो यहाँ पे मिला था एक वाटर टैंक, और मिला था ये मोपिंग क्लॉथ मिला था, और ये अटैचमेंट मिला था लगाने के लिए, और ये मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे। अभी यहाँ पे ब्लैक स्टिकर्स को लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं लगा देता हूँ, एक लग गया है, दूसरा वाला भी लग गया है। तो अभी इस मेजरमेंट पेपर का जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ये वाटर टैंक फिट होगा, लेकिन उससे पहले इसमें वाटर डालना है। तो इसमें देखिए वाटर टैंक में एक यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डोर है, होल है, यहाँ पे पानी डालना है। देखिए पानी फुल हो गया है, तो अभी इसको बंद करेंगे। अभी इस वाटर टैंक को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये चिपक जाएगा, देखिए ये चिपक गया है। तो अभी जो ये मोपिंग क्लॉथ है उसमें से मैं एक लूंगा, अभी इसको यहाँ पे डालना है।
देखिए चला गया है, अभी ये मोपिंग शुरू करेगा। अभी इसको उल्टा करना है तो अभी ये मोपिंग करेगा। देखिए मोपिंग कर रहा है, मतलब बेसिक मोपिंग होता है, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसने इतना मोपिंग किया इतने कम समय में। Please put me back on the ground. तो इसने कैसे साफ किया देखिए, ये जो मोपिंग क्लॉथ है देखिए इसमें कितना गंदगी लग गया है। तो ऐसे ही होता है मोपिंग। तो है ना, ये घर के लिए बहुत ही जरूरी चीज, मतलब ये सभी के घर में होना ही चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ये झाड़ू पोछा सभी करता है, साथ ही इसमें कैमरा है जिससे ये घर का निगरानी भी करता है। अगर आप घर पे ना हो तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है, जब आप बाहर रहते हैं तब भी ये घर में साफ सफाई करता रहता है। और इसके कैमरा से आप घर को देख सकते हैं दुनिया के कहीं से भी, घर के पालतू जानवर से बात कर सकते हैं बाहर से। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, तो आपको ये खरीदना ही चाहिए। तो अगर आपको ये खरीदना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका दाम जब ये लॉन्च हुआ था तब था 32,000, उसके बाद हुआ 40,000, लेकिन फिलहाल एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 19,990 रुपीज में। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इसको बाय कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर अच्छा लगा और काम का लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह का यूजफुल गैजेट्स का रिव्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।